हाइफा अटैक ने साबित कर दिया है कि इसराइल और हिजबुल्ला का युद्ध फंस चुका है। हाइफा अटैक ने बता दिया है कि ये युद्ध अब एक तरफा नहीं रहा, गारंटी पूरी है कि ये जंग लंबी चलेगी। हाइफा अटैक ने बता दिया है कि हिजबुल्ला सुपर एक्टिव है और उसकी ड्रोन पावर से लेकर रॉकेट वाले अटैक में कोई कमी नहीं आई है, ना आएगी। हाइफा में इजरायली अड्डों पर जिस तरह हिजबुल्ला के ड्रोन फटे, वो नेतन्याहू की आर्मी के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है। हिजबुल्ला का C3 इस वक्त इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। C3 का मतलब 3C। 3C के मायने कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन, यानी हाइफा अटैक ने बता दिया है कि हिजबुल्ला का C3 बरकरार है। अब सवाल उठ रहा है कि जो लीडरशिप और फोर्स का ऑर्डर हसन नसरल्ला के वक्त मौजूद था, वो अब भी जिंदा है, या ये कहें कि हसन नसरल्ला मर कर भी हिजबुल्ला को कंट्रोल कर रहा है। यही मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है। हिजबुल्ला को बेरूत से अब भी ऑर्डर मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ना ही उसकी कोई कम्युनिकेशन लाइन टूटी है, उसके हथियारों ने अब भी इसराइल को अपने टारगेट पर लिया हुआ है। ये सब तब देखा जा रहा है जब दक्षिण बेरूत को मिटाने के लिए इसराइल लगातार हमले कर रहा है। दक्षिण बेरूत की कोई सड़क ऐसी नहीं बची जहां पर गिरी हुई बिल्डिंग का मलबा नहीं नजर आता। लेबनान में इसराइल की बमबारी से 2,300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की तादाद 11,000 पहुंच चुकी है। बेरूत ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की बमबारी देखी है, उससे लगता था कि दहिया इलाके से हिजबुल्ला को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब हाइफा पर अटैक करके हिजबुल्ला ने बता दिया है कि वो अब भी इस युद्ध में बराबर हमले करने की ताकत रखता है। हिजबुल्ला का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, हिजबुल्ला का कोई बड़ा कमांडर सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हिजबुल्ला के हमले इसराइल पर तेज हो रहे हैं। हिजबुल्ला का मकसद साफ है और हाइफा से आने वाली तस्वीरें उसके मकसद को पूरा भी कर रही हैं। हाइफा की सड़कों पर एम्बुलेंस और मिलिट्री की गाड़ियों को दौड़ता हुआ देखकर पूरा इसराइल ही नहीं, अब दुनिया पूछ रही है कि हसन नसरल्ला और उनके कमांडरों को मारने के बाद भी हिजबुल्ला का नेटवर्क कैसे चल रहा है। हेलीकॉप्टर से घायल इजरायली सैनिकों को एयरलिफ्ट करने की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। हिजबुल्ला के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो ड्रोन से हमले करके ये बताना चाहता है कि वो इजरायल को बराबर का जवाब देना चाहता है। हिजबुल्ला साबित करना चाहता है कि इजरायल दक्षिण लेबनान में घुसकर जो ऑपरेशन कर रहा है, उसका जवाब वो हाइफा में दे रहा है। इन दोनों तस्वीरों में एक तरफ इजरायल बहुत मजबूत नजर आ रहा है जब वो हिजबुल्ला के गढ़ में जमीनी अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ हाइफा में उसके पूरे डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्ला ने दक्षिणी हाइफा में गोलानी ब्रिगेड के अड्डे पर हमला किया। यहाँ इजरायली सेना का बिन्यामीना अड्डा है और यहाँ पर ड्रोन से पूरे इजरायल में हड़कंप मच गया। हाइफा में इजरायल के बहुत ही खास मिलिट्री अड्डे पर हुआ ये बहुत ही खतरनाक हमला रहा, ये नेतन्याहू की बड़ी नाकामी बताई जा रही है। Hezbollah is dug in. It's much better defended. It's much better forces. They've got much better trained by the Iranians, and they've got tremendous faith. I probably think they will fight on. They'll take a few days to reorganize the command and control, because that has been utterly destroyed by very good Israeli intelligence and incredible. हाइफा में अटैक के बाद अब सवाल इसराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम पर उठ रहा है, जो पहले ईरान के 1 अक्टूबर वाले मिसाइल अटैक के बाद अपना रुतबा खो चुका है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त सो रहा था जब हिजबुल्ला ने हाइफा पर ड्रोन लॉन्च किए और इसराइली सेना के बहुत ही खास ठिकाने को टारगेट बनाया।
लेबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन को काउंटर करने की जिम्मेदारी आयरन डोम पर थी। आयरन डोम की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है और हाइफा की लेबनान बॉर्डर से दूरी है 27 किलोमीटर। यानी आयरन डोम का रडार दक्षिण लेबनान के अंदर गहराई तक किसी भी ड्रोन और मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। लेकिन 13 अक्टूबर को आयरन डोम फेल हो गया। वो हिजबुल्ला के ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया और हिजबुल्ला के ड्रोन ने इसराइल के मिलिट्री ठिकानों पर ऐसा बारूद बरसाया कि सदमा तेल अवीव तक लगा है। כל הנפגעים פונו לבתי החולים. אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם משפחותיהם. כל החיילים בבסיס הונחו להתקשר הביתה ולעדכן את משפחותיהם שהם בסדר. हिजबुल्ला ने जिस जगह पर ड्रोन अटैक किया वो बिन्यामिना मिलिट्री कैंप है। बिन्यामिना मिलिट्री कैंप लेबनन की सीमा से 65 किलोमीटर दूर है। यानी हिजबुल्ला ने 65 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से एक ड्रोन अटैक किया जो सफलतापूर्वक जाकर अपने निशाने पर लग गया। उस दौरान उत्तरी हाइफा में तैनात आयरन डोम भी उसका पता नहीं लगा पाया। तभी तो इसराइल की एयर सीमा में बिना किसी रोक टोक के ये ड्रोन बिन्यामिना मिलिट्री कैंप पहुंचता है और वहां बड़ा धमाका कर देता है। साफ है कि हिजबुल्ला के हमले के सामने इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम सोता रह गया। ना ही हाइफा में अटैक से पहले सायरन बजा। यह हाइफा की तब की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्ला का अटैक हो गया और फिर सेना ने अलार्म बजाना शुरू किया। अब सवाल है कि इसराइल ने हाइफा पर हिजबुल्ला के हमले के बाद क्या किया, गजा के देर अल बलहा में क्या हुआ, ये उसकी तस्वीरें हैं। बहुत ही खौफनाक वीडियो है। इसराइल ने अलक्सा अस्पताल के बाहर हमला किया है। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है और करीब 50 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद यहां लगे कैंप में आग लग गई और सब कुछ जलने लगा। नेतन्याहू ने कहा था कि हसन नसरुल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्ला का अंत हो जाएगा, जो नहीं हुआ। नेतन्याहू ने कहा था कि वो बेरूत को गजा बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। बेरूत पर हमले जारी हैं, लेकिन हिजबुल्ला एक्टिव है। नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिण लेबनान से वो हिजबुल्ला को उखाड़ फेंकेंगे। वहां भी ऑपरेशन जारी है और इसराइल के लिए गुड न्यूज सुनने को नहीं मिली है। हिजबुल्ला और इसराइल की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रही, ये कई फ्रंट पर हो रही है। और नेतन्याहू के लिए बड़ी फिक्र की बात यह है कि अब ये फ्रंट इसराइल के अंदर खुल चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल अब बेरूत पर बमबारी का नया रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है। नेतन्याहू ईरान पर पलटवार करने की सोच रहे हैं, लेकिन पुतिन और पजकेशियान की मीटिंग के बाद ईरान से जो रिपोर्ट आ रही है वो इसराइल के लिए बुरी खबर कही जा रही है। इंसानों की यहां कोई भी साथ नहीं है, यहां कदम कदम पर मौत है, आसमान से बरसती मौत। हिजबुल्ला सिर्फ युद्ध में मार नहीं खा रहा, इसराइल को मार भी रहा है, तबीयत से मार रहा है। मार इतनी भयानक है कि उसका ट्रेलर न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर अरुण सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी ने कैमरे में कैप्चर की है। ये शोर सुनिए, रॉकेट की रफ्तार देखिए, फिर धमाके का असर खुद ब खुद समझ सकेंगे। कलेजा थर्रा देने वाले दृश्य अब इसराइल में दिख रहे हैं। हिजबुल्ला के हमले को नई धार मिली है। ईरान भी अब खुलकर इसराइल को दहलाने जा रहा है। वजह,
ईरान को अब एक ऑर्डर पर मिलेगा हर हथियार। खामनेई की डिमांड पर रातों रात मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइल। कुछ फोर्स जब चाहे उसे मिल जाएगा सुपरसोनिक आसमानी लड़ाका। ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट हुआ तो एटम बम का भी हो जाएगा जुगाड़। इसराइल हो या अमेरिका, ईरान को अब किसी से नहीं डर। ईरान कभी भी इसराइल से नहीं डरा। ईरान ने हर बार इसराइल के हमले का जवाब दिया। ईरान ने बम के बदले मिसाइल से दहलाया, लेकिन अमेरिका के वॉर जोन में आने के बाद से ईरान की जमीन खिसक गई थी। ईरान को सुपर पावर के जंगी बेड़े डरा रहे थे। ईरान को न्यूक्लियर बमों से लोडेड फाइटर जेट से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मगर अब तेहरान में टेंशन जैसी कोई बात नहीं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी बेफिक्र है। वजह है मॉस्को से हुआ एक ऐलान। ईरान को रूस से क्या क्या गारंटी मिली है, डिटेल व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है, जिसके चलते करीब एक हफ्ते से नेतन्याहू से बातचीत नहीं कर रहे प्रेसिडेंट जो बाइडन ने फटाफट मीटिंग फाइनल कर ली है। यानी दो हॉटलाइन एक्टिव है 24/7। ईरान और मॉस्को की हॉटलाइन पर इसराइल के हमले से निपटने का प्लान बन चुका है। वहीं रूस के वॉर जोन में एंट्री के बाद प्रेसिडेंट बाइडन और नेतन्याहू नई रणनीति बना रहे हैं। लीडर्स की वॉर प्लानिंग से अलग युद्ध के मैदान में खून खराबे की लिमिट क्रॉस होती जा रही है। हिजबुल्ला के रॉकेट धमाके हाइफा में हाहाकार मचा रहे हैं। जैसे बेरूत जल रहा है ठीक वैसे ही दृश्य इसराइल में दिखने लगे हैं। लेकिन इसराइल के बारूदी प्रहार को झेलने की हिम्मत अब हिजबुल्ला में बची नहीं। हिजबुल्ला सीज फायर की दहाड़ लगा रहा है। मगर इसराइल का मकसद साफ है, हिजबुल्ला, हमास, हूती के साथ इन सब के अघोषित आका, ईरान की तबाही। אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נלחם ויחד ננצח, בעזרת השם. जबकि युद्ध में इजराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हिजबुल्ला लड़ाके इजराइल को घर में घुसकर दहलाने लगे हैं। यह हाइफा सिटी का हाल है। हिजबुल्ला आर्मी ने हाइफा में रॉकेट धमाके की झड़ी लगा रखी है। गया है।